दोस्तों आज हम उत्तर प्रदेश के बांदा जिला चिल्ला गांव में यहां पे आए हुए हैं। यहां पे जो कुछ कार्यक्रम यहां पे रखा गया है, आप इधर हो जाइए भैया। तो आप यहां पे हम जो है थोड़ी बात करेंगे यहां पे कि किस उपलक्ष्य में जो है ये कार्यक्रम यहां पे छोटा सा जो कार्यक्रम है वो रखा गया है। तो यहां पे हम जो चिल्ला के मंडल अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी से, हम उनसे बात करेंगे। सर आपका क्या नाम है? सर अमित कुमार निगम, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मंडल पहलानी। भारतीय जनता पार्टी के पेखरवादी सोच के हमारे नेता रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उनकी आज 106वीं जयंती है। उसी उपलक्ष्य पर पूरे पहलानी मंडल के प्रत्येक बूथ पर ये कार्यक्रम बूथ अध्यक्षों के द्वारा आयोजित किया गया, जहां मुझे मुख्य अतिथि के रूप में रहने का अवसर मिला। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती मनाई गई, तत्पश्चात माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मन की बात कार्यक्रम 11 बजे टीवी में आया, उसको हम सब लोगों ने मिलकर सुना। ऐसे ही प्रधानमंत्री हम सबका मार्गदर्शन करते रहें, उनके बताए हुए पदचिन्हों पर हम लोग चलने का प्रयास करेंगे। और इसी के साथ मैं यहाँ उपस्थित पत्रकार बंधु व मेरे सभी कार्यकर्ता बंधुओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो आपने यहाँ देखा कि यहाँ पे जो ये कार्यक्रम रखा गया है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जयंती है आज, उसी में पुष्प अर्पित करने का यहाँ पे जो कार्यक्रम रखा गया है। तो और भी यहाँ हमारे साथ जो साहब सर जी खड़े हैं उनसे भी हम बात करेंगे। सर आपका क्या दायित्व है? पिछला वर्ष मोर्चा से जिला कोषाध्यक्ष के रूप में आज भी मुझे यहाँ पे पहलानी मंडल में सहभागिता करने का अवसर प्राप्त हुआ। हमारे पहलानी मंडल के सभी मंडल अध्यक्ष और मैं पहलानी में सभी पिछला मोर्चा के कार्यकर्ता और मीडिया प्रभारी सभी लोग यहाँ पे अध्यक्ष जी के साथ मिलकर ये कार्यक्रम को सफल बनाए। और हम यहाँ पे और भी यहाँ पे कुछ हैं जो है भाई साहब, उनसे बात करेंगे। इधर रखिए कैमरामैन जी। सर आपका क्या दायित्व है इसमें? मेरा दायित्व है, मैं पलानी मंडल से पिछड़ा वर्ग मोर्चा से महामंत्री हूँ। और आज हमारे चिल्ला में पलानी मंडल में जो है तो पिछड़ा वर्ग मोर्चा से जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती में माल्यार्पण किया गया और लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात जो है तो बताई गई और सुना, उस पर पालन भी होगा, यही सब लोगों ने ठानी है। तो आपने यहाँ देखा कि जो पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय हैं उनकी जयंती थी, उसी में पुष्प अर्पित माल अर्पण यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ उपस्थित चिल्ला पहलानी मंडल के श्री अमित निगम जी यहाँ पे मौजूद हैं और पिछड़ा मोर्चा से जो हमारे सुरेंद्र बीर निषाद जो कोषा अध्यक्ष हैं और यहाँ पे हमारे चिल्ला से जो पिछड़ा मोर्चा से मुकेश कुशवाहा जी हैं जो महामंत्री हैं, तो इन्हीं के जो है द्वारा यहाँ पे जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के पुष्प अर्पित माल अर्पण करने का कार्यक्रम। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है और वो बचपन से ही हार्ट की गंभीर बीमारी से भी जूझती रही है। जब वो केवल 3 महीने की थी तभी उसे ओपन हार्ट सर्जरी से भी गुजरना पड़ा। इन सब मुश्किलों के बावजूद न तो अन्वी ने और न ही उसके माता पिता ने कभी हार मानी। अन्वी के माता पिता ने डाउन सिंड्रोम के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा की और फिर तय किया कि अन्वी की दूसरों पर निर्भरता को कम कैसे करेंगे। उन्होंने अन्वी को पानी का ग्लास कैसे उठाना, जूते के फीते कैसे बांधना, कपड़ों के बटन कैसे लगाना, ऐसी छोटी 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 चीजें सिखाना शुरू किया। कौन सी चीज की धैर्य के साथ उन्होंने अन्वी को सिखाने की कोशिश की। बिटिया अन्वी ने जिस तरह सीखने की इच्छा शक्ति दिखाई, अपने अन्वी के जीवन में अद्भुत बदलाव देखने को मिला है। अब उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस गजब का हो गया है। योग से अन्वी की फिजिकल हेल्थ में भी सुधार हुआ है और दवाओं की जरूरत भी कम होती चली जा रही है। मैं चाहूंगा
कि देश विदेश में मौजूद मन की बात के श्रोता अनविको योग से हुए लाभ का वैज्ञानिक अध्ययन कर सके। मुझे लगता है कि अनवी एक बढ़िया केस स्टडी है जो योग के सामर्थ्य को जांचना परखना चाहते हैं ऐसे वैज्ञानिकों ने 20,000 से अधिक स्कूली छात्रों ने मान लिया कि वे अपने साथ ही परिवार और आसपास के लोगों